हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजन आर्ट एंड क्राफ्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट चैनल मेहंदी सीजन को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनाऊंगी। ये देखिए, इस पोशाक के मैचिंग की मैं पगड़ी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पोशाक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शादी के कार्ड से कट किया है। ये कार्ड पगड़ी के लिए एकदम परफेक्ट होता है। आपको भी इतना ही पतला कार्ड लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच ली है मैंने। आपको अपने गोपाल जी के का किस तरह से नाप लेना है ये बता देती हूँ मैं। फ्रेंड्स, इस पर आपको फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इस पर फैब्रिक पेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारा रेड कलर का है, ये ऐसे ही ठीक लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये हमारे गोपाल जी का सर है। इस तरह से हमें नाप लेना है। ये देखिए, इस तरह से सर के और चारों ओर घुमाते हुए, ये देखिए जितना भी इंच आपका आता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। अगर आप अपने गोपाल जी को बाल पहनाते हैं तो आपको बाल लगाकर ही नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें 1 इंच की पगड़ी तैयार रखनी होती है तो मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर आपको 1 इंच से कम रखनी है तो आप 1 इंच से कम पर निशान लगा लेना। ये देखिए, ये जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कार्ड बचा है अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने फोल्ड किया है कार्ड, अब हम इसको इसमें बारीक बारीक कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लगाने हैं हमें कट। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमने कट लगा लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। और देखें, इस पर निशान लगाने के बाद, ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे हम और इसकी कटिंग कर लेनी है। और देखें, इस तरह से इसे हमें रोल करना है और इस तरह से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे। देखें फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर चिपका दिए हैं। अब देखिए, इस तरह से जो ये हमने कट लगाए थे, इस तरह से इन्हें यहाँ पर चिपका देंगे। ये देखिए, ग्लू गन की हेल्प से हम चिपका देंगे इनको। हमारी ऊपर से पगड़ी कवर हो गई है। अब मैं इस पर ऊपर से भी एक कार्डबोर्ड लगा दूंगी फिनिशिंग के लिए। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऊपर से भी कार्डबोर्ड लगा लिया है। देखिए, जो एक्स्ट्रा कार्ड है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पगड़ी का बेस बन गया है। आप किसी भी साइज का इस तरह से बेस बना सकते हैं। जो मेजरमेंट करना आपको मैंने बताया उस तरीके से। देखिए, अब हमने यहाँ पर ये नेट की पट्टियाँ ली हैं। जो कलर हमने पोशाक में यूज किए थे उन्हीं कलर की पट्टियाँ हमने यहाँ पर ली है। ये देखिए, इस तरह से हमें इन पट्टियों की चोटी बनानी है।
चलिए आपको हम बनाकर दिखा देते हैं किस तरह से बनानी है। ये देखिए, इन पट्टियों को हमें तीन भागों में बांटना है। ये देखिए, इस तरह से तीन भागों में बांटकर इस तरह से गूंथेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये लगभग 25 इंच लंबाई की चोटी तैयार कर लेनी है। तो देखें फ्रेंड्स, ये चोटी हमने तैयार कर ली है। अब हमें इसे पगड़ी के ऊपर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आगे की साइड रखते हुए यहाँ पर चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे चिपकाते हुए पीछे की साइड ले जाएंगे। ये देखें, पीछे की साइड से लाते हुए फिर आगे की साइड लाएंगे। फ्रेंड्स, इस पर हमें ऊपर की साइड पगड़ी के ऊपर हमें येलो कलर का फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये फैब्रिक पेस्ट कर लिया है हमने। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये चोटी को पगड़ी के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से हम पूरी पगड़ी कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पगड़ी पूरी कवर हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें अच्छे से पगड़ी का बेस पूरा कवर कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा पूरा कवर हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 2 इंच थी, इसको मैंने बीच से फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए, 1 इंच है फिलहाल, इसको फोल्ड कर रखा है मैंने। और ये ऊपर की साइड लेस लगाई हुई है और इसकी लंबाई 12 इंच है। अब हमें इसमें प्लेट डालनी है। ये देखिए इस तरह से। प्लेट डालने के बाद, देखिए फ्रेंड्स, प्लेट डालने के बाद हम इसके नीचे की साइड से
सुई धागे की हेल्प से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिल लेने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये देखिए, इसे हमें पगड़ी के ऊपर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इसे पगड़ी के ऊपर लगाना है। और ये यहाँ पर मैंने कैरी बूटी पोम पोम और ये लेस से कट किया हुआ ये बेस लिया है। देखिए इस तरह से ही हम पगड़ी के ऊपर ये बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम बीच में लगा देंगे। तो ये देखिए आगे की साइड ये लेस से कट किया हुआ बेस ये आगे की साइड लगाएंगे। और इसके जस्ट ऊपर ये कैरी बूटी लगाएंगे। और देखिए इस साइड में हम ये पोम पोम लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस पर हम आगे की साइड ये लेस से कट की हुई ये पट्टे लगा देंगे। और नीचे की साइड ये क्रीम कलर के मोती भी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पगड़ी बनी है फ्रेंड्स। ये जो इस पर मैंने कैरी बूटी लगाई है ये बूटी भी मैंने अपनी वीडियो में बनानी बताई है। अगर आपको ये बनानी सीखनी है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डांडिया बनाएंगे क्योंकि हमने नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाई थी, तो ड्रेस के साथ हम डांडिया भी बनाएंगे। ये देखिए मैंने दो रेड कलर के प्लास्टिक के पाइप लिए हैं। ये देखिए इन पर मैं यहाँ पर गोटा लगाऊंगी और ये पोम पोम लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमें गोटा लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम दूसरे पाइप पर भी गोटा लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गोटा लगा लिया है हमने। अब हम ये पीछे की साइड ये पोम पोम लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने पोम पोम भी लगा ली है। ये देखें हमारी कितनी ब्यूटीफुल सी डांडिया बनकर तैयार हुई है हमारे गोपाल जी के लिए। तो देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस के मैचिंग की माला बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने पोम पोम और ये मोती लिए हैं। ये देखें सुई धागे की हेल्प से हम माला बनाएंगे।
देखिए पहले हमें मोती डालने हैं, यहाँ पर मैंने ये 9 मोती डाले हैं और उसके बाद ये पोम पोम डालूंगी। और उसके बाद ये फिर से हमें 3 मोती डालने हैं। आप अपने गोपाल जी के नाप के अनुसार इसे छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर से पोम पोम डालेंगे और फिर से 3 मोती डालेंगे इसी तरह से हम। ये देखिए फिर से 3 मोती डाले। तो देखे फ्रेंड्स ये हमने मोती डाल लिए हैं, तो ऊपर से अब हम इसमें गांठ लगा देंगे धागे में। ये देखे फ्रेंड्स ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल सी माला बनी है। तो देखे फ्रेंड्स ये हमने देखे ये पगड़ी बनाई है, ये देखे कितनी ब्यूटीफुल पगड़ी बनी है। ये देखिए हमने डांडिया बनाई है, ये देखिए, और ये हमने माला बनाई है। और ये चोली देखिए फ्रेंड्स कितनी ब्यूटीफुल पोशाक बनकर तैयार हुई है, देखिए बिल्कुल मैचिंग बनी है सब चीज। ये देखिए बिल्कुल मैचिंग की बनी है सभी चीज। फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरे फर्स्ट चैनल मेहंदी सीजन को भी सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स अगर आपको ये फुल पोशाक बनानी सीखनी है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।